हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ की क्लास है। चैप्टर नंबर 4 जो है अपना बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, ये डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे मीनिंग क्या है रिस्क की, फिर बढ़ेंगे अपन डेफिनेशन की तरफ और लास्ट में देखने वाले हैं फीचर क्या है बिजनेस रिस्क के। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनने वाला है, नेक्स्ट वीडियो टाइप ऑफ रिस्क का ही होने वाला है, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। इनके इस चैनल पर नए हैं और कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस टॉपिक्स वगैरह देखने पसंद है आपको, नॉलेज लेना चाहते हैं कॉमर्स की, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दिख रहा होगा उसको भी क्लिक कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्क का मतलब देख लेते हैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मीनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं सिंपल सा। द वर्ड रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम क्लेमिटी और पेरिल। रिस्क का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का लॉस अगर बिजनेस को होता है ड्यू टू सम क्लेमिटी, किसी भी आपदा आने से। आपदा क्या हो सकता है, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गई, कोई चोरी हो गई, किसी वजह से आपके गुड्स वगैरह को लॉस हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो एक तरह का पेरिल है, लॉस है, एक तरह का डैमेज है जो कि आपकी प्रॉपर्टी को, आपके जो भी सामान है उसको हो सकता है, वो एक तरह का रिस्क है। तो बिजनेस के कॉन्सेप्ट में क्या कह रखा है, रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू सम क्लेमिटी और पेरिल। पेरिल यहां पर है डैमेज या जो भी चीज जिसके वजह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान या डैमेज हो रहा है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। आगे देख लेते हैं, रिस्क इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस, दैट मींस इनविटेबल मतलब जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क तो होना ही होना है। आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे रिस्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या रिस्क का सामना अपन को करना ही पड़ता है। राइट, आगे है, एंड अ बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट ओनली बाय बियरिंग रिस्क। बहुत फेमस सेइंग भी है, कहते हैं कि जितना आप रिस्क लेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, डर के आगे जीत है, आपने स्लोगन सुना होगा। तो ये इसी से रिलेटेड है कि बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसको रिस्क भी उठानी पड़ती है इन ऑर्डर टू अर्न अ सम ऑफ अमाउंट, या प्रॉफिट अगर अर्न करना है आपको तो आपको रिस्क बियर करनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। हो रहा है, क्लियर। तो रिस्क को अगर सम अप करूं तो सिंपल सा है, रिस्क एक इनविटेबल पार्ट है जो कि हर बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। आपको डे टू डे लाइफ में भी रिस्क हो सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का चोरी होने का, अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज होने का, एक्सीडेंट होने का, या फिर कोई चोरी होने का, तो हर जगह रिस्क है, रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क को एक सेइंग है फेमस कि रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं राइट तरीके से प्लानिंग करने के लिए। फीचर्स में अपन वो डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू बून एंड कर्ट्स की डेफिनेशन ले रखी है मैंने, एक लाइन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन में कोई मैटर नहीं करता हो, 5 लाइन की हो, 2 लाइन की हो या 1 लाइन की हो, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। मीनिंग जब भी पूछी जाए आपसे एग्जाम में, तो आप अपनी मर्जी से अपने वर्ड्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक की मीनिंग फ्रेम करके लिख सकते हैं खुद के वर्ड्स में। डेफिनेशन की जहां तक बात आती है, डेफिनेशन में हमेशा जब भी पूछा जाता है तो डिफाइन रिस्क आएगा या गिव द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क आएगा। तो जब भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपको ऑथर की ही डेफिनेशन कोट करनी पड़ती है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना पड़ता है, ऑथर की वर्ड टू वर्ड लाइन आपको कोट करनी पड़ती है। मेकिंग सेंस हो रहा है, क्लियर। तो यहां पर देखते हैं बूम्स एंड कर्ट्स क्या कहते हैं। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज। रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, एक अंदेशा है कि अपनी प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है या डैमेज हो सकता है, इसका ही नाम तो रिस्क है। कुछ भी काम करने में जब आपको ये डर हो कि मेरी प्रॉपर्टी को कहीं नुकसान ना पहुंचे, यही एक तरह का रिस्क है। हमेशा डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में आती है और ऑथर का नाम अकॉर्डिंग टू बून एंड कर्स करके ही लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड जो भी नाम है अकॉर्डिंग टू करके लिखते हैं। इनकेस अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो स्टार्टिंग आप इन्वर्टेड कॉमर्स से करेंगे, खत्म भी इन्वर्टेड कॉमर्स में करेंगे, लास्ट में डैश करके ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका, दूसरा तरीका है डेफिनेशन को लिखने का, 2 तरीके मैंने बता दिए। आगे बढ़ लेते हैं अब फीचर्स की तरफ। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, कई कई जगह नेचर भी बोला जाता है रिस्क को, वो देख लेते हैं। रिस्क के अपने फीचर्स क्या है, सबसे पहला है रिस्क इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। रिस्क क्या है, एक असेंशियल एलिमेंट है किसी भी बिजनेस का, दैट मीन्स बिना रिस्क लिए, असेंशियल एलिमेंट मतलब जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। वर्ड पढ़ा अपन ने इनविटेबल, दैट सिंपली मींस असेंशियल। तो यहां पर क्या है, रिस्क इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है अपना रिस्क। बिना रिस्क के आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, बिना रिस्क लिए आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती आपकी बिजनेस की, वेंचर की, एंटरप्राइजेस की, जो भी आपकी है। तो यहां पर रिस्क इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेसमैन को रिस्क लेना आना चाहिए,
करेज और बोल्डनेस होनी चाहिए उसमें रिस्क को लेने की, राइट। सेकंड है प्रॉफिट और गेन इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। बोलते हैं ना कि प्रॉफिट और रिवॉर्ड, या प्रॉफिट या गेन एक तरह का रिवॉर्ड है एक बिजनेसमैन के लिए। जैसे ही रिस्क लेता है, जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। तो प्रॉफिट और गेन इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, एक बिजनेसमैन के लिए एक तरह का प्रॉफिट या गेन है रिस्क लेना। जितना बड़ा वो रिस्क लेगा उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और गेन इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। अगर आपने बिजनेस रिस्क के लिए प्रिपेयर थे, अगर आपने प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी, बेहतरीन प्लानिंग कर रखी है पहले से ही, जो भी फ्यूचर में रिस्क होने वाले हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज होने वाली है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हैं, तो आपको इतना लॉस वगैरह सिवियर लॉसेस नहीं होगा क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर हैं। पूरा क्लियर? अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं लॉसेस के लिए या रिस्क के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है, आपको पता था लेकिन तब भी आप प्रिपेयर नहीं थे, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको गेन हो सकता है, अगर प्रिपेयर नहीं है तो आपको लॉस हो सकता है। आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जाम्पल दूँ, आपको पता है कि भाई मार्च में बोर्ड है और आप पढ़े नहीं हैं, आपको पता है बोर्ड के स्टूडेंट है, आपको पता है मार्च में एग्जाम है, तो आपको पता है रिस्क मार्च में आने वाली है, आपको शुरू से प्रिपेयर करके रखना। अगर नहीं प्रिपेयर करके रखा तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है, लॉस होगा आपको क्योंकि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर करके शुरू से पढ़ रहे हैं, आपने मन लगा के शुरू से पढ़ा है, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? तो प्रॉफिट और गेन दोनों एक ही चीज़ है, प्रॉफिट होगा या गेन होगा आपको, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, रिस्क लेने पे डिपेंड करता है। इसलिए बिना रिस्क लिए प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि रिस्क लेने से प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी है लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, डर के आगे जीत है। आप कुछ भी चीज़ कंकर कर रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ के आगे जा रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि आगे अच्छा ही होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो रिस्क लेना ज़रूरी है, इनविटेबल पार्ट है, और प्रॉफिट और गेन तभी हो सकता है जब आप रिस्क लेंगे। मेकिंग सेंस? थर्ड है अनसर्टेनिटीज आर द बेसिस ऑफ बिजनेस रिस्क। अगर कोई भी चीज़ आपको कन्फर्म हो कि वो चीज़ें होने ही वाली है तो वो रिस्क नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ कंफर्म है, एक रिस्क अनसर्टेन है, जब भी तो इसको रिस्क बोला है ना, अनसर्टेनिटीज आर द बेसिस ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस रिस्क का बेसिस ही अनसर्टेनिटीज हैं। ऐसी चीज़ जिसके बारे में अपन श्योर नहीं है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है अपने साथ। अगर श्योर हैं अपन तो वो रिस्क नहीं है क्योंकि उसको पहले से अपन टैगल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटीज जुड़ी रहती है हर बिजनेस के साथ। अपन को फ्यूचर के बारे में अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कैसा फ्यूचर होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आज से एक महीने बाद, दो महीने बाद। तो उसके लिए पहले से प्लान कर सकते हैं, रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते जैसे मैंने पहले बताया, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं राइट अमाउंट ऑफ प्लानिंग से। पूरा क्लियर? आगे देख लेते हैं। रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड स्केल ऑफ बिजनेस। दो चीजें हैं, नेचर एंड स्केल। नेचर में आ गया आपका किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको रिस्क ज्यादा है टूट फूटने का, खराब होने का उसका। या फिर पेरिशेबल आइटम बना रहे हैं जो कि एक ही दिन में कंज्यूम करने पड़ते हैं, उसमें आपको रिस्क है, सही अमाउंट पे सही टाइम पे आपने डिलीवर नहीं करे तो वो खराब हो जाएंगे आपकी फैक्ट्री में। या फिर आपकी पेपर की फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है जो आग जल्दी पकड़ते हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्केल की बात करें तो स्केल होता है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब स्केल में है आपका कि बड़ा बिजनेस है, मीडियम साइज़ का है, लार्ज साइज़ का है। तो जितना ज़्यादा स्केल का बिजनेस होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना कम रिस्क होगा। तो स्केल में आता है आपका किस लेवल पे आपका बिजनेस है। बड़े लेवल पे बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगी, छोटे लेवल पे है तो रिलेटिवली कम रिस्क होगी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आता है प्रोडक्ट का टाइप क्या है। ज़्यादा अगर ऐसा प्रीशियस आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो कि बहुत फ्रेजाइल आइटम है जो जल्दी टूट जाते हैं, तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा है। राइट, क्लियर? फिफ्थ है रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सेम थिंग मैं शुरू से ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज करा जा सकता है कैसे, राइट अमाउंट ऑफ प्लानिंग से। शुरू से पढ़ेंगे तो फेल होने के चांसेस कम है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, लेकिन रिस्क को एलिमिनेट नहीं करा जा सकता। हो सकता है, होता है, बहुत अच्छा पेपर गया तब भी आपको बहुत कभी कभी बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं, टीचर ने अच्छे से चेक नहीं करा, कोई आंसर चेक करना रह गया, टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, तो वहां पर क्या हो सकता है, रिस्क को मिनिमाइज करा जा सकता है, कम करा जा सकता है, बट एलिमिनेट नहीं करा जा सकता। हो रहा है क्लियर? तो ये थे अपने 5 फीचर्स जो अपन ने डिस्कस करे, आई होप क्लियर हो रहे होंगे। अपन ने मीनिंग से स्टार्ट करा, डेफिनेशन देखी और फीचर्स देखा। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज देखना मत भूलिएगा, टाइप ऑफ रिस्क डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।